So hello everyone, this is Siddharth Pradhan, Rourkela, Odisha. So today we're gonna talk about some physical fitness exercises and transformation. आज मैं सोच रहा था कि मैं एक 30 डेज का एक ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज लूँ खुद के लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए। उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा कि वो 30 डेज का चैलेंज कैसा रहा और आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका कैसा होगा, वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो आप वीडियो पूरा जानने के लिए आप वीडियो पूरा देखें। तो मैं आज बात करने वाला हूँ पूरा अपना बॉडी का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन 30 डेज में। सोचिए कि आप एक नॉर्मल ज़िंदगी आप जिएंगे तो आप नॉर्मली आपका नॉर्मली फ्लो में जाएगा, लेकिन आप एक तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला ज़िंदगी, मतलब जैसे कि आप अगर आपका अगर कॉल हेयर है तो आपको आप उसको स्ट्रेट कीजिए। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसको स्ट्रेट करना ही करना है, आपका मर्जी। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन खुद का बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हैं, अगर आप कॉल है तो उसको स्ट्रेट कीजिए जैसे मैं स्ट्रेट किया हूँ, उसके बाद अगर आपका स्ट्रेट है तो उसको कॉल कीजिए। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आप अगर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको करना ज़रूरी है, अगर आपका मन है ना, क्योंकि लाइफ इज टू शॉर्ट ओपन। तो मैं सोच रहा था अगर लाइफ बहुत शॉर्ट है इसीलिए उसके बाद आप हेयर का चैलेंज भी ले सकते हैं, उसके बाद आप स्किन का चैलेंज भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चैलेंज लेने वाला हूँ अपना खुद का बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि 2 साल पहले मैं बहुत पतला था, उसके बाद जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया उस टाइम मैं बहुत पतला था। मैं उसका वीडियो उसका फ़ोटो भी मैं डाल दूंगा, फ़ोटो देख लीजिए। उसके बाद मैं बहुत पतला था, उसके बाद मैं वर्कआउट किया, बहुत सारा वर्कआउट किया, उसके बाद डाइट भी ठीक किया, उसके बाद मेरा कुछ फिजिक अच्छा हुआ, आप देख सकते हैं कुछ अच्छा हुआ। उसके बाद मेरे दोस्तों ने भी पूछा, मेरे स्कूल डेज, मेरे कॉलेज डेज, उसका दोस्त लोग भी मुझे पूछे कि कैसे बॉडी बनाएंगे, कैसे उसका डाइट प्लान लेंगे, कैसे ये करेंगे वो करेंगे। मेरा नॉलेज था, लेकिन मैं उन लोगों को अगर बताऊंगा तो वो लोग मेरा अगर खुद का बॉडी नहीं हुआ तो वो लोग बिलीव नहीं करेंगे। वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, इसीलिए मैं खुद में वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खुद को चैलेंज लिया। उसके बाद मैं 2 ईयर में खुद का एक अच्छा हेल्दी बॉडी बनाया। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं 30 डेज का चैलेंज लूँ, 30 डेज में मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन में हम कहाँ ना भी जा नहीं पा रहे हैं। तो खुद का अगर हम बॉडी का केयर करेंगे, खुद का बॉडी का केयर करेंगे तो हम लोग खुद ही अच्छे दिखेंगे और खुद को ही स्मार्ट लगेगा। अगर आप घर में ही अगर पुशअप कर सकते हैं, मतलब आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ मायने रखता है, जैसे कि सेट्स, रेप्स, उसके बाद वेट। मतलब सेट्स मतलब आप कितना तो सेट लगा रहे हैं, जैसे कि 3 सेट, नॉर्मली 3 सेट लगाते हैं। और उसके बाद रेप्स मतलब कितना बार रिपीटेशन कर रहे हैं, वो चीज़ है रिपीटेशन। उसके बाद रहा वेट, आप कितना वेट लेके आप लिफ्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप सब कुछ का कॉम्बिनेशन आप अगर अच्छा रखेंगे तो आप एक अच्छा फिजिक आप कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। ऐसे नहीं बोलते हैं कि आप अगर बॉडी बनाएंगे तो यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट है, बॉडी नहीं बना के भी लाइफ एग्जिस्ट है, लेकिन बॉडी बनाएंगे तो आपको एक अच्छा लगेगा, आपको स्मार्ट लगेगा। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बॉडी मतलब बॉडी बिल्डिंग, ऐसे नॉर्मल लोगों का अगर आप लोग पूछेंगे तो वो लोग बोलेंगे कि बॉडी मतलब बॉडी बिल्डिंग वाला बॉडी, वो मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, ऐसा। लेकिन बॉडी बनाना मतलब फिट रहना, मतलब मैं जिसका बात कर रहा हूँ वो फिट रहने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप फिट मतलब आप अगर शर्ट पहनेंगे तो आपको फिट लगेगा और आप जाएंगे तो एक स्मार्ट, एक कॉन्फिडेंस आएगा, कूल लगेंगे, आप एक न्यू, आपका न्यू वर्सन, बेटर वर्सन, मतलब आप अगर सिद्धार्थ हैं तो सिद्धार्थ 2.0 कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप अच्छे से अगर आप जॉब इंटरव्यू में गए होंगे तो आप जॉब इंटरव्यू में एक अच्छा करके आएंगे, क्योंकि आपका अंदर का एक कॉन्फिडेंस जाग रहा है। तो इसीलिए बॉडी बनाना भी अच्छा बात है और इंटेलिजेंट दोनों ही कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए मैं फिट रहने के लिए ये चैलेंज लेने वाला हूँ 30 डेज का। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो बॉडी बनाया है वो ही फिट है और जो रनिंग किया वो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि जो बॉडी बिल्डिंग में बॉडी बनाया है वो वहाँ पे फिट है, और जो रेसिंग करता है मतलब जो रनिंग करता है 100 मीटर, 200 मीटर, वो वहाँ पे फिट है। तो दोनों का दूसरा ही टाइप है। तो मैं खुद का बॉडी का ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में 30 डेज में एक्सरसाइज रहेगा, पुलअप्स, चिन अप्स, उसके बाद पुशअप्स, उसके बाद स्क्वाट्स, क्रंचेस, सब कुछ रहेगा, जैसे कि अपना बाइसेप, चेस्ट, बैक, एब्स, उसके बाद लेग्स,
तो सबको सबका एक्सरसाइज रहेगा। और मैं जब कंप्लीट करूँगा 30 डेज में, सबका वीडियो मैं डालते रहूँगा, पूरा लाइनअप होते रहेगा सब कुछ वीडियो। उसके बाद मैं डाइट प्लान, एक्सरसाइज सब कुछ डालूंगा, क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे कि आप कैसे थे और कैसे बनेंगे। अगर आप खाली वर्कआउट करेंगे, खाली वर्कआउट 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 अगर आप करेंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि आपका डाइट अगर ठीक नहीं होगा। आप जितना भी एक्सरसाइज करिए, जितना भी एक्सरसाइज कीजिए, अगर आपका डाइट प्लान ठीक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि कोई वेट लॉस करना चाहता है, कोई वेट गेन करना चाहता है, उसके हिसाब से आपका डाइट मेंटेन करना चाहिए। इसीलिए मैं 30 डेज का ये चैलेंज ले रहा हूँ कि अपना खुद का बॉडी का ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पर कुछ पैसा देना नहीं है, क्योंकि आप होम वर्कआउट करेंगे, क्योंकि बिना पैसा दे के भी आप फिट रह पा रहे हैं, तो क्यों हम लोग फिट नहीं रहेंगे, क्यों हम वो नॉर्मल जिंदगी जिएंगे। तो मैं वो वाला चीज़ मैं आपको आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि आप अच्छे रहिए, आप फिट रहिए, फिट इंडिया। अगर हम लोग फिट रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। और मेरा बहुत सारा ट्रिप अभी बाकी था, मतलब बहुत सारा ट्रिप का प्लान था, तो हम लोग अभी जा नहीं पाए क्योंकि लॉकडाउन की वजह से। अगर आप कोई भी उड़ीसा अंदर के, उड़ीसा के बाहर आप अगर कोई भी जगह का एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और जो जो भी ये फिट चैलेंज लेना चाहते हैं और खुद को एनहांस करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और मैं पिछले वाला वीडियो भी डाला था स्किन केयर का, स्किन केयर में भी मैं कुछ वीडियो डाला हूँ, तो आप अगर उसका भी और वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। उसके बाद मेरा वीडियो कैसा लग रहा है उसी हिसाब से आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब ही कीजिए, आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अच्छा नहीं लगेगा तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वो आर न्यू इन माई चैनल, गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। और टिल देन, बाय बाय। Don't doubt.